बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अडियाला जेल से कुछ ऐसे बयान जारी किए गए जिन पर आज मैं बात करना चाहता हूं और कुछ माजी करीब की आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि एक इदारे के बारे में माजी करीब में क्या बातें की गई और आज सियासत में शामिल होने की, सियासत में उनको घसीटने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो एक न्यूट्रल होने का सिलसिला शुरू हुआ था वो शायद बानी चेयरमैन पीटीआई को काबिले कबूल नहीं। और उन्होंने जब न्यूट्रलिटी वाला ऐलान हुआ तो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है और न्यूट्रल तो कोई चीज़ नहीं होती, या आप हक के साथ हैं या बातिल के साथ हैं। मगर आज यकदम मुज़ाकरात की पेशकश करना और कहना कि फ़ौज नुमाइंदा मुकर्रर करे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो तरला मिन्नत का सिलसिला शुरू हुआ है और ये बहुत जल्दी सफ़र तय किया, मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज़ बात करो, यानी एक ट्रेलर इस मुल्क में चलाया गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद अब नई फिल्म आई है मुझसे प्लीज़ बात करो के नाम से, और मुझे ये समझ नहीं आता कि आप 9 मई के हमले करते हैं, 9 मई के हमले करने के बाद शहदा की यादगारों को मस्मार करते हैं, आपका सोशल मीडिया एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाता है कौमी सलामती के इदारों के हवाले से, इस मुल्क की अफवाज के हवाले से, और आप इस मुल्क के अमन के लिए एक ख़तरा पैदा करते हैं, इस मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा पैदा करते हैं। जब आपका दिल करता है आप IMF को ख़त लिख देते हैं और मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश करते हैं, जब आपका दिल करता है आप साइफ़र लहराते हैं और मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं और मुल्क के ताल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ उनको ख़राब करने की कोशिश करते हैं और झूठा बयानियाँ घड़ते हैं, और आपकी पूरी दुनिया ने वो आवाज़ सुनी जब आपने ये कहा कि हमने इसके साथ खेलना है, इसके साथ खिलवाड़ करना है, साइफ़र के साथ इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। तो आज आप जो मुतालबा रख रहे हैं कि पहले छोड़ूंगा नहीं, अब प्लीज़ मुझसे बात कर लो, तो इससे साबित ये हुआ कि जब इदारा न्यूट्रल हुआ तो उसके बाद अब आप अपनी हिमायत मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी हिमायत की जाए। जब न्यूट्रलिटी का ऐलान किया गया था तब आपने तरह तरह की बातें की थी कि न्यूट्रल तो फ्लां होता है, और आपके जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। कोर कमांडर हाउस के बाहर आपकी तीनों बहनें मौजूद थीं, फुटेज मौजूद है, आप CCTV की बात करते, CCTV में सब कुछ आया है कि आपका भांजा बाहर खड़ा था, आपकी बहनें बाहर खड़ी थी, आपके पार्टी के रहनुमा खड़े थे, आपकी पार्टी ने बाकायदा तौर पे एक इजलास किया जिसमें शफकत महमूद साहब ने और शमसाम बुखारी साहब ने इख्तलाफ़ राय किया कि हमने कोर कमांडर हाउस नहीं जाना, हमने फ़ौजी तनसीबात पे हमले नहीं करने, हमने चागी का पहाड़ नहीं जलाना, हमने कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को मस्मार नहीं करना, हमने शहदा की यादगारों के साथ बेहरमती नहीं करनी। मगर आपकी पार्टी के लोग ये कहते रहे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अपने अपने अहदाफ पर पहुँचो, हमला करो, जलाओ घिराव करो, और ये सियासत में आपका वतीरा रहा है। वो PTV का हमला हो, वो SSP असमतुल्ला जनेजो पर आपने हमला किया, आपने आग लगाई, कब्रें खोदी, इसी पार्लियामेंट के गेट को तोड़ा। तो आज जो आप कह रहे हैं कि नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए आपसे बातचीत करने के लिए, आपकी समझ नहीं आती है कि कभी गिरेबान पकड़ लेते हैं, कभी पैर पकड़ लेते हैं, ये यकदम सफ़र कैसे तय होता है। और देखिए, इस मुल्क की सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपको आप इस मुल्क के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क हैं, और आपकी जो माजी में आपने जो मामलात किए वो फॉरेन पॉलिसी के मामलात हों, वो 9 मई के हमले हों, वो साइफ़र हो, वो IMF को ख़त लिखना हो, वो ये कहना हो कि खुदा ना खास्ता ये मुल्क नहीं रहेगा अगर मैं इख्तदार में ना रहा, आपके लोगों का ये कहना खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फ़ौज के इदारे को सियासत में मुलव्वस करना चाहते हैं
ये इनकी एक नई साजिश है, एक नई कहानी घड़ी गई है जेल के अंदर से कि एक दिन अपनी वेबसाइट्स पे फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करते हैं। और इसकी एक वजह यह भी है, ये जो आप कह रहे हैं कि नुमाइंदा मुकर्रर करें मेरे से बातचीत करने के लिए, इनको पता है कि इनका जो सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है उसके ताने बाने मुल्क दुश्मनों से मिलते हैं, और इनको इन्होंने इस बात को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की है कि रऊफ हसन और जो वहाँ पे तमाम लोग एक मुल्क दुश्मन एजेंडे के तहत एक सोशल मीडिया सेल चला रहे थे और मुल्क दुश्मन कुमतों से इनके रबते थे, तहकीकात होंगी, तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी। इनको पता है कि वहाँ पे जिन कुवतों से इनके रबते थे और ये उन रबतों के ज़रिए मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ बना रहे थे, सोशल मीडिया के ऊपर मुल्क के अमन सलामती को नुकसान पहुँचाना चाह रहे थे। पहले आप दहशतगर्दों को वापस लेकर आए, उनको बसाया खैबर पख्तूनख्वा में, आज वहाँ के हालात ख़राब हैं। आपकी 11 साल से हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आपकी हुकूमत ने काउंटर टेररिज्म के लिए क्या किया, नेशनल एक्शन प्लान के ज़रिए क्या किया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट क्यों नहीं खड़ा किया, वहाँ पे अमन के क्याम के लिए आपने क्या इकदाम किए, दहशतगर्दों को आप बसाएं, IMF को लेटर आप लिखें, साइफर के साथ आप खेलें, 9 मई के हमले आप करें, शहदा की यादगारों को आप मसमार करें, आप सोशल मीडिया सेल चलाएं जो मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद हो, और अब आप कह रहे हैं कि मुझसे प्लीज़ बात करो। तो ये जो हर बात पर एक यू टर्न है, और इनको ये बात काबिले कबूल ही नहीं थी कि इदारा न्यूट्रल हो गया, इसलिए अब ये कोशिश की जा रही है कि फ़ौज के इदारे को अपने सियासी मफादात के लिए सियासत में मुलव्वस किया जाए। तो ये किस तरह की सियासत है और ये किस तरह की मुनाफ़कत है? आपने आज तक इस मुल्क की मईशत के लिए क्या किया? 2018 में जो हस्ता बस्ता पाकिस्तान हम छोड़ के गए थे, मियाँ शहबाज शरीफ ने आके फिर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, आप रह जाते तो ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता, डिफ़ॉल्ट से बचाया, और आज भी माशी इस्लाहात के एजेंडे पे कारबंद है। इंशाल्लाह ताला इस मुल्क को, कल आपने देखा कि फिच की रेटिंग्स में हमें CCC+ मिला, कल पॉलिसी रेट कम हुआ है, मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें $3 अरब का इजाफा हुआ है, $3 अरब का। तो ये तमाम तर इशारे जो हैं ये बता रहे हैं कि मईशत में बेहतरी आ रही है और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये देखते हुए और अपने मूल दुश्मन एजेंडे को देखते हुए कहा जा रहा है कि मुझसे प्लीज़ बात कर लो। तो ये इनके दौरे मयार हैं, मुनाफिकाना सियासत है कि 9 मई का इतराफ़ भी करते हैं कि मैंने कहा था GHQ जाओ और एहतजाज करो, और ये 2 दफ़ा इतराफ़ हुआ, और पॉलीग्राफ टेस्ट से क्यों भागते हैं? पॉलीग्राफ टेस्ट जो लेने से इनकार किया गया इसलिए किया गया कि उसमें सच साबित हो जाएगा कि 9 मई के हमले आप उसके मनसूबा साज थे, आपकी वो मनसूबा बंदी थी और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आपने 9 मई के हमले करवाए थे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आपके पार्टी के लोग देखे जा सकते हैं, आपके ख़ानदान के अफराद देखे जा सकते हैं, आपकी पूरी पार्टी की प्लानिंग देखी जा सकती है, और उस प्लानिंग के पीछे आपकी रहनीत थी जो आपने मुल्की कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ जहन साजी की, जहर जो है वो घोला नौजवान नस्ल के जहनों में, बाहर बैठे पाकिस्तानियों को तशद्दुद पे उकसाया, और उसके बाद आज कह रहे हैं प्लीज़ मुझसे बात करो। तो ये एंटी क्लाइमैक्स है उस फिल्म का जिसका उन्वान था मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, और आज जो ये तरला मिन्नत का प्रोग्राम जारी किया गया है ये सिर्फ इस बात का शाखसाना है कि आपका एक सेल पकड़ा गया है और उसमें शवाहिद मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो कौम के सामने आएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जिस दिन से इमरान खान साहब बानी चेयरमैन PTI जेल गए हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है, क्योंकि उनके साथ नेगेटिव सेंटिमेंट एसोसिएटेड है। उन्होंने आके इन्वेस्टर्स को बंद किया, बिजनेसेस बंद किए, कारोबारी शख्सियात को जेलों के अंदर डाला, TV चैनल्स के मालकान को जेलों के अंदर डाला। बिजनेस सेंटिमेंट जो है वो उबर के सामने आया है जब से ये जेल के अंदर हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, फिच की रेटिंग इंप्रूव हो गई है, IMF का मुआहदा तय हो गया है, पॉलिसी रेट नीचे आ गया है, ये तमाम तर जो फैक्टर्स हैं ये इस बात की अलामत हैं कि इस मुल्क में अगर कोई डी स्टेबलाइजिंग फैक्टर है वो बानी चेयरमैन PTI है।
जो अदम इस्तेहकाम को फ़रोग देता है उसके होते हुए सियासत के अंदर और अमली मैदान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आ सकता, वो निकला है तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आ रहा है। देखिए एक दहशतगर्द जमात है और इनके आने से पहले सियासत में लोग एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते थे, लोग सियासत को सियासी मुखालफत के तौर पे लेते थे। इन्होंने सियासी मुखालफत को दुश्मनी में तब्दील करवाया और ये जो तर्ज अमल है कि आप गालम गलोच की सियासत करें, खवातीन की तजहीक करें, बिल्डिंगों को आग लगा दें, धमकी आमेज रवैया इख्तियार करें, किसी की इज़्ज़त ना छोड़ें, हर किसी की इज़्ज़त को तार तार करने का आपने जो है वो मिशन बनाया हुआ है, तो ये एक दहशतगर्द जमात है और इसको इसीलिए TTPTI कहते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं TTPTI। ये जो TTPTI है ये तालिबान को इसीलिए वापस लेकर आई है और इसीलिए शहदा का मजाक उड़ाती है क्योंकि इनको पाकिस्तान की सालमियत से कोई गर्ज नहीं है, इस मुल्क की तरक्की से कोई गर्ज नहीं है, इस मुल्क की अवाम से कोई गर्ज नहीं है। झूठे बयानियाँ बनाओ, मुल्क के खिलाफ साजिशें करो, अपने आप को हीरो डिक्लेयर करो और उसके बाद कहो जी प्लीज़ मेरे से कोई बात कर ले। अगर कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है तो वो खान साहब हैं जो लूडो हारते हुए लूडो उल्टा देते हैं, जो कभी मुश्किल आए तो रोना शुरू कर देते हैं, जब उनकी जमात पे कोई मुश्किल आए तो वो इस तरह कहते हैं जिस तरह जुल्म के पहाड़ टूट गए। जब राणा सनाउल्ला की गाड़ी में हेरोइन डलवाई जा रही थी तब बिगड़ा हुआ बच्चा कौन था? जब कह रहा था कि मैं मुच्छों से पकड़ के, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं, मैं बंद कर दूंगा, तब बिगड़ा हुआ बच्चा कौन था? जब मरियम नवाज शरीफ को वालिद के सामने गिरफ्तार करवाया गया बाप को अजियत देने के लिए, तब बिगड़ा हुआ बच्चा कौन था? जब शहबाज शरीफ की वालदा की मैयत पड़ी थी और जज कह रहा था मैंने जिरा करनी है, तब बिगड़ा हुआ बच्चा कौन था? जब मुंह पे हाथ फेर के कह रहा था मैं AC उतार दूंगा, तब बिगड़ा हुआ बच्चा कौन था? जब कहता था कि मैं घर का खाना नहीं जाने दूंगा, दवाइयां बंद कर दूंगा, तब बिगड़ा हुआ बच्चा कौन था? ये बात याद रखनी चाहिए कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जो कहता था नहीं छोड़ूंगा, और वो कहते हैं ना कि वो जो कहता था कि कुछ नहीं होता, अब वो रोता है तो वो चुप नहीं होता। बहुत शुक्रिया।